नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस अंक में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्व के विषय जनसंख्या और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। यूपीएससी एग्जाम के कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो हाल के वर्षों में पूछे गए। जनसंख्या से जुड़ी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। दूसरा सवाल है, महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। तीसरा सवाल है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। ये सारे सवाल सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, तो इसी की चर्चा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ष 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब कामकाजी आयु 20 से 59 वर्ष की आबादी की हिस्सेदारी 59% तक पहुंचने का अनुमान है। ये भारत के आर्थिक विकास के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है, लेकिन इन संभावनाओं का अर्थ यह नहीं है कि भारत स्वतः इन्हें साकार कर लेगा। यह एक ऐसा अवसर है जिसका दोहन तभी किया जा सकता है जब अनुकूल स्थितियों का सृजन किया जाए। इन अनुकूल स्थितियों में शामिल हैं एक स्वस्थ आबादी, विशेष रूप से स्वस्थ महिलाएं एवं बच्चे, शिक्षित युवा आबादी, विशेष रूप से शिक्षित बालिकाएं, एक कुशल कार्यबल, एक उच्च प्रदर्शन करती अर्थव्यवस्था जो आवश्यक उच्च गुणवत्ता नौकरियों का सृजन कर रही हो और लाभकारी रोजगार में लोगों को जुटे रहना हो। यह भारत के लिए अपनी आबादी की जनसांख्यिकीय क्षमता का दोहन करने, वास्तविक आर्थिक विकास हासिल करने और उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने और आगे बढ़ने का समय है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या महत्व है, ये जानना जरूरी है। धारणा यह है कि एक बड़ी युवा आबादी का अर्थ है अधिक मानव पूंजी, अधिक आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर। कामकाजी आयु के लोगों का उच्च आबादी और कम आश्रित आबादी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से बेहतर आर्थिक विकास की स्थिति बनती है। बीते 7 दशक में कामकाजी आयु की आबादी की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 65% हो गई है। परिणाम स्वरूप निर्भरता अनुपात यानी कामकाजी आयु आबादी में बच्चों और वृद्धजनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। विश्व जनसंख्या परिप्रेक्ष्य 2022 के अनुसार भारत के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कार्यबल होगा। अगले 25 वर्षों में प्रत्येक 5 कामकाजी आयु वर्ग के व्यक्तियों में से एक भारत से में रह रहा होगा। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। मसलन, भारत की श्रम शक्ति कार्यबल में महिलाओं की अनुपस्थिति की बाधा से ग्रस्त है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में महिला श्रम बल भागीदारी दर की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में 26.4 और शहरी क्षेत्रों में 20.4 तक के निम्न स्तर पर है, जबकि भारत के 95% से अधिक बच्चे प्राथमिक स्कूल में नामांकित होते हैं, जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बदतर बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और बाल कुपोषण ने बदतर लर्निंग आउटकम और ड्रॉपआउट अनुपात में वृद्धि दर्ज की है। भारतीय जनसंख्या की विषमता के कारण विभिन्न राज्यों में डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की अलग अलग है। केरल की आबादी पहले ही वृद्ध हो रही है, जबकि बिहार में कार्यबल वर्ष 2051 तक वृद्धि का अनुमान है। 2031 तक 22 प्रमुख राज्यों में से 11 में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी बेहद कम होगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन, चौथी औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि भविष्य का विकास रोजगारहीनता के साथ घटित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 कामकाजी आयु आबादी में अनुमानित वार्षिक वृद्धि और उपलब्ध नौकरियों की संख्या के बीच अंतराल को उजागर करता है। भारत में अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति जनसांख्यिकीय संक्रमण के लाभों को प्राप्त करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अब सोचना यह है कि आखिर आगे का रास्ता क्या है, आइए जानते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी करे और कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर वो 2 कदम आगे बढ़ाए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से
साथ साथ स्कूल पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना भारत में योग्य कार्यबल के सृजन में आगे योगदान कर सकेगी। स्वस्थ भारत के लिए सरकार को निवेश बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक तकनीकों पर आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर विचार करने की जरूरत है। महिलाओं बेटियों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की भी आवश्यकता है। शोध एवं विकास के विस्तार और क्वांटम प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने से भारत को अपने हित में उभरती टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने और भारतीय युवाओं को वैश्विक रोल मॉडल के रूप में उभारने हेतु अनुभव एवं कौशल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। आबादी की बढ़ती आयु, प्रवासन एवं शहरीकरण जैसे उभरते जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए एक नए संघीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों को संबोधित कर सके। शासन संबंधी इस व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार जैसे विषयों में अंतर मंत्रालयीय समन्वय होना चाहिए। जेंडर बजटिंग बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करने का समय है कि महिलाओं की पुरुषों के समान सामाजिक आर्थिक स्थिति तक पहुंच हो। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट्स एंड पॉलिसीज लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक दक्षता के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकती है। इस अंक में बस इतना ही। फिर यहीं मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। अगर आप किसी विषय पर कंटेंट चाहते हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।